पर आई वेस्ट बैंक में मचे बवाल से जुड़ी। वेस्ट बैंक के एक इलाके में इस वक्त हालात बिगड़ गए जब फिलिस्तीनी कैदियों के जेल से छूटने पर जश्न मनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इसराइल की पुलिस ने उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इसराइल की पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने जमकर आगजनी भी की। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो वहां की पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां की स्थिति और खराब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां से भागने के बजाय कई फिलिस्तीनी इसराइल की पुलिस से भिड़ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब युद्ध विराम के तहत इसराइल की जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिसके बाद उन कैदियों के जेल से बाहर आने पर कई लोग जश्न मनाने में जुट गए। लेकिन इसराइल की पुलिस ने उन्हें कैदियों की रिहाई पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर फिलिस्तीनी भड़क गए और उन्होंने वहां की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख इसराइल की पुलिस ने हवा में फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो वेस्ट बैंक के उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। चारों तरफ आंसू गैस का धुआं फैल गया। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इसराइल की पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के जवान अलग अलग गाड़ियों से पूरे शहर में फैल गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर ही दम लिया। हालांकि इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया।